हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। देखिए, जो मैं आपको हिस्ट्री की सीरीज़ लाई हूँ उसमें जो अभी टॉपिक चल रहा है कंपनी के अधीन गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, तो उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। और ख़ास करके ये रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तो लॉर्ड क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में गवर्नर बनाया गया था। कब? 1757 में, है ना। 60 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया और उन्हें एक बार और इन्हें गवर्नर बनाया गया था, है ना। 65 से 67 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। और इनकी, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, जिसका नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उसने बंगाल के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। अन्य प्रेसिडेंसी भी थी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, उनके पास लेकिन स्वयं के गवर्नर थे। बंबई और मद्रास के पास स्वयं के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, किसे बनाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इन्हें कब किया गया था? 1773 में इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1785 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था, है ना। और देखिए, इनके इनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था आंगल मराठा युद्ध, है ना। ये कब से कब तक हुआ था? तो ये युद्ध 1775 में स्टार्ट हुआ और 1782 तक ये चला था, है ना। इसके बाद द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और ये 1780 में हुआ था। 1780 में ये स्टार्ट हुआ था, 84 तक ये युद्ध चला था। देखिए, ये जो एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसके माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था, है ना। और इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए।
विलियम बेंटिक है ना, 28 से 33 तक इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था, कब, 1828 में, और 1833 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया था, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को बनाया गया था। इसके पहले ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। तो 33 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, उसके बाद ये 1833 में 35 तक, 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, है ना। 33 में इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, 33 में, 1833 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, है ना। देखिए 1833 में एक एक्ट पारित हुआ था, 1833 में एक एक्ट पारित हुआ था, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था, है ना। देखिए 1833 में यह एक्ट पारित हुआ, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था उसको, उसका नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, है ना। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? विलियम बेंटिक हुए थे। और इनके शासनकाल में, देखिए ये जो भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, ये मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट करना था। देखिए जो विलियम बेंटिक थे उनके शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हुए, है ना। ये 1856 से 1858 तक इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया था, है ना। और इस भारत के गवर्नर जनरल के पद पर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। 1858 में इन्हें प्रथम वायसराय बनाया गया। इन्होंने 1862 तक, 1858 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 62 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी ने शासन को समाप्त कर दिया था और भारत ब्रिटिश ताज के अधीन में आ गया था, है ना। भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ। देखिए एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत सरकार अधिनियम, कब हुआ था? 1858 में। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर,
किसका, भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल दिया गया था, भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा, वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। देखिए अभी तक किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे, है ना, अब वायसराय सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाने लगे। देखिए एक चीज, गवर्नर का पद 1757 में स्टार्ट हुआ था, 74 तक यह चला था। कब? 1757 में स्टार्ट हुआ, 74 तक चला, है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद आया, और गवर्नर जनरल का पद 1774 में आया। कब आया? 1774 में आया, और ये 1828 ईस्वी तक चला। 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल का पद चला, है ना। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए ये जो भारत का ये गवर्नर जनरल किया गया, तो ये 1833 में स्टार्ट हुआ और 1858 तक ये पद चला था, है ना। इसके बाद इसका नाम पुनः बदल गया, क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का वायसराय का पद कब से कब तक चला? तो वायसराय का पद इसका गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया था, और 1858 से 1947 तक ये पद चला था। देखिए इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले बंगाल का गवर्नर आया, उसके बाद उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, उसके बाद उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, है ना। उसके बाद उसका नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल भारत के अंतिम वायसराय हुए। लॉर्ड बेवेल 1943 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था, और 1947 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। 1943 में नियुक्त किया गया, 1947 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था, है ना। और लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में ही 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई थी कि जून 1948 में भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता दे दी जाएगी। तो लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में ही ये घोषणा की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि वायसराय के बाद फिर से गवर्नर जनरल आ गया, क्योंकि वायसराय के पद को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल के पद को जारी रखा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसको भी समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो वायसराय का पद समाप्त हो गया, उसके बाद गवर्नर जनरल आया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। देखिए 1947 में इन्हें गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया और 48 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती रामगोपालचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती रामगोपालचारी थे। 15 अगस्त 1948 में इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया और 1950 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, है ना। जब संविधान लागू हो गया तो इसके बाद इस पद को भी समाप्त कर दिया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। तो 48 में इन्हें गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना, और 50 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट विल के समय वायसराय कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट विल के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट विल जब पारित हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। देखिए, एल्बर्ट विल कब पारित किया गया था? 1883 में यह बिल पारित हुआ था, और इस बिल के मुताबिक, इस बिल के तहत भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 में वायसराय के पद पर नियुक्त हुए, 88 तक इन्होंने कार्य किया, और इनके समय में तृतीय आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए, 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को
हुआ था, किस समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखिए 1916 में ये वायसराय नियुक्त हुए थे भारत के और 1921 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे और 1856 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1848 में हुआ था, 49 तक चला था, है ना? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये युद्ध हुआ था। देखिए व्यपगत सिद्धांत, ये सिद्धांत लागू किया गया था और इस सिद्धांत के तहत ही जिस राज्य कुछ राज्यों का विलय किया गया था, इस सिद्धांत के तहत कुछ राज्यों का विलय किया गया था। और किन राज्यों का विलय किया गया था? तो जिन राज्यों के में कोई भी बारिश नहीं होता था, बारिश ना होने के कारण किसी राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाना, यह था व्यपगत सिद्धांत। जिस राज्य का भी बारिश नहीं होता था उस राज्य को ये ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लेते थे। तो देखिए किन किन राज्यों का विलय हुआ था। 1848 में हुआ था सतारा का विलय, 1849 में हुआ था जैतपुर का विलय, 1852 में हुआ था उदयपुर का विलय, 1853 में हुआ था झांसी का, 1854 में नागपुर का और 1856 में अवध का विलय होके इन क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो इतने क्षेत्रों का विलय हो गया था। देखिए डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार भारत में पहली बार रेल 11 अप्रैल 1853 में, पहली रेल 11 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। मुंबई से थाड़े कितने? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, है ना? इसलिए डलहौजी को ही रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में पहली बार रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 में इन्हें वायसराय बनाया गया और 1905 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये 1905 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि के समय वायसराय कौन थे? अमृतसर संधि के समय वायसराय कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अमृतसर संधि हुई थी, है ना? और यह संधि किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में यह संधि हुई थी। रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में यह संधि हुई थी। और इस संधि के तहत सतलुज नदी के पार पंजाब की रियासतें अंग्रेजों व पश्चिमी की रियासतें महाराज
रणजीत सिंह को मिल गई थी इस संधि के तहत, है ना। ये थे हमारे गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।